जय श्री राम गाने को छोड़ के बाकी सब बकवास था, इसलिए वो टाइटल सॉन्ग ही सुनने में थोड़ा गुजबम टाइप का लगता है। बाकी प्रभास राम टाइप का लग नहीं रहे, कृति सैनन भी मोटसीता का कौन सा वर्जन है पता नहीं, और सैफ अली खान सबसे फालतू कैरेक्टर है। बैन मूवी को बैन ही कर देना चाहिए, इससे कार्टून एनिमेटेड वाले ज़्यादा अच्छे आते हैं, कार्टून नेटवर्क वाले। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में आदि पुरुष को बैन इसलिए करना चाहिए क्योंकि रामायण कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। पहले जैसे रामायण जैसी तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आई। मूवी तो ठीक है, जिस हिसाब से दिखाया है वो सही नहीं है, जो कैरेक्टर प्ले किया है वो सही से नहीं दिखाया गया है मूवी। ठीक है बैन लगा देना चाहिए क्योंकि जो कैरेक्टर को सही से प्ले ही नहीं किया है, रावण रावण नहीं लग रहा है, राम राम नहीं लग रहा है, तो क्या खाए सर। मेरा नाम है राकेश कुमार, चैनल का नाम बताइए आप। पिक्चर तो मेरे को ठीक ही लगी, बस कैरेक्टर्स जो लुक है ना उनका थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब जो पहले वाला जो रामायण था ना ये वाला उससे बहुत ख़राब था। छत्तीसगढ़ क्या, ये पूरी मूवी हर जगह बैन होनी चाहिए, और जिस तरह से उसकी डायलॉग डिलीवरीज है वो मेरे ख्याल से उतनी अच्छी नहीं है, और आने वाली जनरेशन के लिए ये बेस्ट नहीं है कि इस तरह हमारे हिंदू धर्म में इस तरह से सारे रामायण को इस तरह से शो करना। वैसे जो पुरानी रामायण बनी, जो एनिमेशन वाली रामायण बनी, वो बहुत ही अच्छी थी, उससे काफ़ी हमें सीख भी मिलती है, और इस तरह से नेगेटिव रिव्यूज़ होने ही चाहिए, और इसको छत्तीसगढ़ क्या हर जगह बैन करना चाहिए। प्रियंशा सिंह। बैन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, डायलॉग्स भले चेंज हो जाए बैन नहीं लगना। मूवी अच्छी है, मतलब जैसा कि एक दो लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने देखा है, उन्होंने कहा अच्छी है। डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से बनाए हैं, कि जैसे लंका लगा दूंगा वाला जो भी डायलॉग है जिससे लोगों को आहत हो रहा है, इसका नाम आदि पुरुष उसी लिए रखा गया, रामायण नहीं रखा गया। आदि पुरुष मतलब एक जैसे अलग टाइप का था, जैसे बजरंगी वो था, बाजीराव मस्तानी था, तो वो बाजीराव का फिर अलग किए वो लोगों ने नाम उस टाइप।